ब्रेकिंग न्यूज, नोबेल कमेटी ने एक नए इनाम का ऐलान किया है। हर साल ये इनाम दुनिया के सबसे ज्यादा सहन शक्ति वाले शख्स को दिया जाएगा। मतलब पहला इनाम मुझे यानी कि जावेद जैफरी को दिया जाएगा। मैं मानता हूँ कि आप इन सरफिरों को झेलते हैं, मगर आधा घंटा मैं तो इन्हें सोते जागते यहाँ तक के सपनों में भी झेल रहा हूँ। आज भी झेलना है हनी को मेज की पुताई, मशरूम ट्रिप में होती सुताई, हाई रोलर्स को समझते हैं बेड, और ब्रिज बॉल में घूम जाते हैं हेड। सपनों का शमशान तकेशी स्कस। जमाल गोटे का डोज लेकर आए हो, एनिमा लेके आए हो, बताओ, क्योंकि आज तुम्हारी कमर में आएगी लचक, तुम्हारा मुंह जाएगा पिचक, चक्कर खा कर गिर जाओगे, तुम गिर गए तो उठ नहीं पाओगे, पर पाउडर का दूध पिया है तो शो डाउन में पहुँच कर दिखाओगे। हितोरी माता हितोरी तो हनी ताइचो नो मोतो ए शुकेत्सु शिते जाओ। सो ये रंग बिरंगी ब्रिगेड, चलिए मरवाने अपनी रेड द ग्रेट वॉल पर। ये दीवार सिर्फ 8 फीट ऊंची है, इस पर चढ़ना है और इधर से उतरना है। ओए मेरी कमर। और आप क्या बलि चढ़ाएंगी? ओए घुटना। ओहो आया फिर म्यूजिक। इब्तिदाई गेम है, रोता है क्या और आगे आगे देख होता है क्या। म्यूजिक सुनो और समझ लो कि आगे फटकों की धुआंधार बारिश होकर ऐसी बाढ़ आएगी कि सबको बहाकर अस्पताल ले जाएगी। हंसलो हंसलो, आगे तो रोना ही है। ओहो ये अमेरिकन झंडा भी यहाँ घुस पड़ा। हर जगह घुस जाता है झंडा अमेरिकन। जोर लगा के हैया और लगा के हैया। और इधर पार आ गई मैया, लाइन लगी हुई है संतरों का बगीचा। अरे भैया खुद तो आर और दोस्त पार। ओ भैया गोबर मिल्कशेक जिंदाबाद। लड़के लड़कियों को क्यों उठाते हैं? लड़कियां तो लड़कों को नहीं उठाती है। ओहो मिस्टर शलवार, देखें आगे कैसी चलती है तेरी तलवार। और चीजी कर रापची रिप्ले में तो देखिए, इसको लगा डाला तो लाइव चिंगा लाला। अब हम चलेंगे स्लिप डिस्क खेलने। एक जनरल ऐसा चिल्लाता है कि आदमी डर कर भाग पड़ता है। बजट में बढ़त। ओहो दो रंगीन बम भी हैं। अजीब हिसाब है। ग्रेट वॉल पर चढ़ो, उतरो, फिर यहाँ भाग कर आओ और फिर ऊपर चढ़ो। देखिए झुंड, ये खिड़कियों में छुपे। हो गया शुभ मुहूर्त। भैया ऊपर तो आना है मगर अपनी रिंग बचाकर। जिसकी रिंग फटी उसकी टिकट कटी। इसलिए सर झुकाकर आना और अपनी रिंग बचाना। शाही गार्ड्स के निशाने की तारीफ करना बेकार है, फिर भी मैं तारीफ कर देता हूँ। ये देखिए काफी खिलाड़ी ऊपर पहुँच गए, बाकी पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। जो ऊपर आया सिकंदर, जो रह गया वो बंदर, और ये बंदर बाकी। और जय जय के रांची रिप्ले में देखिए। हाँ तो देखिए ना, और देखिए और देखिए और आगे देखते हैं क्या होता है हनी कॉम मेज में। सीटी बजी और सिट्टी गुल। कमाल है यार, बरेली का बांस जापान में। बांसु भैया अंदर घुसे कि लग गया रंगीला पीछे, तो पिछवाड़े से घबराकर भागे और कूद पड़े अगवाड़े पांडे जी की पानी पूरी खाने। है ना मजेदार है। मज्जा अंदर नहीं मानी, घुस पड़ी अंदर और बन गया रंगीला तुम छल्ला। हो गई नगरी नगरी द्वारे द्वारे, गंजा शामू भी आ गया और पकड़ी गई घसीटा। चम चमाते टकले ने साइड में कर दिया मुंह काला और काला और काला, और धक्का देकर हो गई बाहर बाला। अबे अम्मा डंडा लेकर आ रही है क्या? ले घुस पड़ा सीधा। गंजू ने सूंघ लिया और पकड़ ली बगल वाली गली। सही है, और कोई रास्ता था ही नहीं भैया। तो ये हैवी ड्यूटी ट्रक कहाँ से आ गया?
सांडों को लड़ाने आया है क्या? अंदर आया और ये अपना भेजा घर में छोड़ा आया है उस्ताद, लगा रंगीला पीछे और धर लिया जोरा जोरी तो की, मगर दूसरा यमदू भी आ गया, कूदना चाह रहे हैं तो कूद भी नहीं सकते। भाई मेहमान तो भगवान के समान होता है, बिना खातिरदारी किए कैसे जाने देंगे? पेट भर के खिलाया और खिलाया और खिलाया, जज्बात निकाले और छोड़ दिया। अब पानी खुद ही जाके पी लो, इज्जत और शर्ट तार तार। जनरल ने गोली दी और बंदा चला घुसे और मनहूस शक्ल को देखकर टर्न मारा, सामने मैदान साफ, जनरल की गोली काम कर गई। गुरु ठीक है, उधार मांगने जा रहा है क्या या गेम खेलने? डरते डरते अंदर आए, रंगीले ने घबरा दिया और ये भागे। ये लोग चिल्ला के तो आधा घबरा देते, सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। भागे और सीधे पांडे जी का स्वस्थ वर्धक गोबरी सूप पी रहे। शर्म कर जनरल ली को गिरा दिया, देखने में तो मुस्टंड आया अंदर से फुस। अंदर तो तेरा ढोल बज जाएगा, ये बड़ा चिल्ला रहा है ना, सीधा रास्ता पकड़ा। रामू से बचकर पलटा तो शामू ने धर लिया, ये जमीन पर पटका। खानदानी खजाने पे हमला और देखते हैं जे के राप्ची रिप्ले में। पहले ही कोमा में पहुंच गया लगता है और हम पहुंचते हैं मशरूम ट्रिप में। सीटी बजी तो आइए मशरूम को पकड़िए और जब मशरूम घूमना, एक्सक्यूज मी, आपको मुंह धोने के लिए नहीं बुलाया था, निकलिए। अगली खिलाड़न ने मशरूम पकड़ा। भैया यहाँ एक साहब मुझसे कह रहे थे कि मशरूम कहते हो पर रूम तो गई है, नजर नहीं आता। मैंने कहा सर ये आपका सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं, सेंस ऑफ ट्यूमर है, और इनका भी ऐसा ही कुछ है, है? पांडे जी कटरिया कोल्डिंग हाउस में घुस पड़े। नेक्स्ट मुसाफिर तैयार, पहले लेडीज रस्सी इस्तेमाल करती थी, आज लेडाज भी कर रहे हैं। वाह, मशरूम घूमते हुए चढ़ा, पकड़ मजबूत है, लैंड किया और बाप, गुलाटी कॉम्पिटिशन 1 2 3, बालाजी टेलीफिल्म जिंदाबाद। अब इनकी बारी है, रस्सी की वजह से लटकना आसान हो गया है, वरना ये लोग 3 चक्कर में चगर गिन्नी हो जाते। और ये पहुंच गए, वेरी गुड, ये मेरी डांट का असर है, वरना ये भी गुलाट मार के निकल लेते। जाओ अगले राउंड में। अभी पैंट फट गई है मगर किस्मत नहीं फटी, कोई बात। और ये है जनरल की नेक्स्ट योद्धी, पैरों की पकड़ नहीं है जो इनके लिए हानिकारक हो सकती नहीं, हो गई। मैंने कहा इन्होंने कर दिया, गुड बच्ची, बेटा चाहो तो ब्रश भी कर लो। अगली खिलाड़न तैयार, मशरूम घुमा, आज मशरूम की स्पीड कम है और इनकी पकड़ मजबूत, वेरी गुड बेबी, और ये प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई। ये देश है वीर जवानों का। जय जय कराची रिप्ले में एक खुलासा, अगर मैंने अपना सुसु नहीं रोका होता ना तो मैं जरूर जीत जाती। और हमारा अगला राउंड है स्किटल्स। हाँ भाई, नहला पीछे से होगा पहला, मैडम को इक्का हो गई बक्का बक्का। आने वाले बॉल की तरफ पीट करके ये सब तैयार खड़े हैं फटका खाने को। राम गोपाल वर्मा की जिद से ज्यादा मजबूत बॉल चला, ये हल्का सा राइट की तरफ है और फटका पड़ा, सिर्फ 1 विकेट गिरी। पगार कटेगी तेरी एनटीटी साहब को सत्ता, लास्ट लाइन का कोना, लाल भुजक्कड़ को इक्का, मर गई भैया। जिन लोगों का हाजमा कमजोर होता है वो इस गेम में डरते हैं, खता हो गई तो लोटे की नहीं बाल्टी की जरूरत पड़ती है। 2 लोटे 2 बाल्टी तैयार। बॉल को धक्का दिया, इस बार लेफ्ट की तरफ, और बाप रे, फटका 2 को मगर गिरे 4 5 और 8 9। क्या दूं साहब, लोटा या बाल्टी है? अगली टीम का सिलेक्शन, हीरो हीरा लाल का, चढ़ जा बेटा सूली पे, एम्बुलेंस रेडी है, सूखे खजूर को दहला, वेरी खुश। सपोलिया भी है, तोता परी की गुठली ने बॉल को ढकेला और इस बार सेंटर में है,
फट जा बड़ा और इक्का तिया नीचे। हाँ बेटा टॉयलेट पेपर लाए हो? आप सीख रिप्ले में देखिए और झटका खाए मुंडी। आगे हम दिखाएंगे हाई रोलर्स के झटके और ब्रिज बॉल में पड़ते फटके। मतलब अभी बहुत जोर की आई है, मैं ब्रेक लेता हूँ यार, तुम भी ले लो। बम 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 स्वागतम। ये रावण बोलता है कि हाई रोलर्स पे जाता हम। ये देखकर क्या क्या जनरल ने बुलाया और मुंडा दौड़ा आया। इन पांच रोलर्स को पार करना है जी। मुंडा कहता है कर लेगा, कदम बढ़ाया, एक दो हो ढाई आफत चली आई, या मंजीते लेट पधारिए। क्या ठुमका है, आगे बढ़ी, एक दो तीन चार उल्टी चक्री मुंह फोड़ा, डुबक दांत टूटे या सिर्फ हिले। ओ नेक्स्ट है पिंकी आंटी, ये फंसेंगे। वन टू एंड लमले। यहाँ आराम करने आई हो क्या? पिछले रोलर पर पैर टिकाया, अब क्या करूं? पुश करके अगले रोलर तक आई, लेकिन यहाँ घुटना मोड़ लिया और यही घटि महंगी पड़ गई। घर जा और दाल रोटी खा या सुशी खाओ या सुशी मुशी खाओ। मिस्टर नील कुमार, सबसे कहा सुना माफ करके आए हैं। एक दो घुमा गया बच्चू और पैर थोड़ा के सर फुड़ा के नाक आइए। ओहो स्टाइल तो कुछ हटके है, और ये भी हट गई, कितनी हटी हुई लड़की है। बच्चा लो ताली बजाओ। छिछोरी, अरे जुगल रंग लानी अपना आदमी है, अरे मालूम है चलिए जीतेगा, अभी देखना कैसा प्यार जाता है। अरे मोया रंग लानी तो पांडे जी का रंग में रंग गया। रोगी लख लाना चाहिए। ओ वेलकम मैडम, क्या हमारे दर्शकों को एक प्यारी सी चीख सुनाएगी? की लगाएंगी? यहाँ तो गीजर भी नहीं है, वो बहुत ठंड लग रही है। आए, आए। मेरा नाम है शशिकला और मैं यहाँ रोलर्स पार करके दिखाऊंगी। थैंक यू। चुनौती दी है तो पूरी करके दिखाओ मुनिया, जाओ। तो भैया चली शशिकला, गुड वेरी गुड, और ये बच गई, उई और ये पार। शशिकला तेरी तल गई बला। ओहो फकीर चंद आगे को बढ़े, वन टू तीसरे बेलन को घुमाया और गई खाई पटखनी। क्या पटक के मारा है मुंह के, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। अरे लगे हाथ राब चिगरीप ले भी देख लो भैया। अरे पोटली बना रहा था मोड़ कर कमर सर और पैर, मगर कर ली पांडे जी के तालाब में सैर, और हम सैर करेंगे कुएक में जी। ओई बाबा आलम के जमाने के विक्स पहनकर खिलाड़ी तैयार, पत्थरों ने छोड़ी फुसकी और धकड़ मकड़ शुरू। एक दो, क्यों लटक रहा है बेटा, आजा। लो भैया लटकू रह गया और पीछे वाला सटकू हो गया, पीछे वाली वाला तो भी। मैं तैने तो कमाल कर दिया, मैं धोती फाड़ के रुमाल कर दिया, मैं जीत गया खंडे, दोनों जीत गए। ठीक है पांच पांच बीवियों के सर पे सवार हूँ, ये क्या चीज है, कौन सी सवारी है? वन टू थ्री फोर फाइव, पांच पांडु और ये फुसकुनी मामा और ये बैलेंस और पहले पांडी चली और ये दिए भी जाने वाला है और ये भी गया। बचे हैं तीन, देखते हैं किसकी बजेगी बीन। और अरे पांच, अब तेरी बीवियां तुझ पर चढ़ के जूते जो मारेंगी देखना बच्चू। और ये निकली आखिरी ठुसकी और बच गए दो। लकी अली लेफ्ट में जे जगह रापची रिप्ले में देखिए कि भैया फिसलो तो कुछ ऐसे फिसलो। और फिलहाल हम फिसलते हुए आगे चलते हैं ब्रिज बॉल देखने। ओ दिन में हो रहा है आज और ठंडी भी कम लग रही है मुझे। ओ श्री 420 राजकपूर साहब का स्टाइल मारते हुए आ गया है, बॉल पकड़ा
पेट पे बांध के बिल्कुल पेट पेट ले लिया बॉल को, लोग गोद लेते हैं, इन्होंने बॉल गोद ले लिया, अबे फटका पड़ा, अबे ले भैया 1-2 और निकल गया, समझ गया जो भी कहना चाह रहा। ओहो रिटर्न ऑफ चंगू मंगू, हाथ में दो बॉल आई आंटी पिचकूला और आंटी पिचकूला ने बॉल पकड़ा, आगे बढ़ी और इन निशानेबाजों के निशाने अचूक होते हैं, फिर भी इनको फटके कम पड़ रहे हैं, घुटनों पे दो पड़ चुके हैं। ये भागी टेढ़ी होके देवानंद स्टाइल, और देवानंद स्टाइल में जाल में फंस गई। क्या बात है, क्या बात है मुनिया, आ जाओ अगली फिल्म में मेरे स्टार कर लेना। और ये क्या है, टीडीपी ओडीपी 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 रेस्टोरेंट खोलने वाली है, जापान में ओडीपी रेस्टोरेंट भी होते होते होंगे, रजनीकांत साहब वहां पे सुपर हीरो है तो ओडीपी रेस्टोरेंट भी होते होंगे। फटके पड़ रहे हैं ओडीपी और इनकी इडली और वड़ा, और फिर भी ब्रिज पे ये है खड़ा, गिरा बॉल और ये वहीं पे खड़ी है, लेकिन पीछे जाना पड़ेगा बॉल पकड़ने के लिए दूसरा, लेकिन जनरली उनको चांस दिया। ये क्या मैडम, चांस मिल गया तुमको, ओडीपी का नाक काट से तुम ओडीपी का रसम निकाल दिया, सांबर निकाल दिया एंड जीत गया, वेरी गुड सर। अभी लेटेस्ट एक और रेस्टोरेंट खोलना ओडीपी का, हमको बुलाना था। और ये कुछ फ्रेंच में लिखवा के आए, अजीब अजीब कॉस्ट्यूम पहन के यहाँ पे लोग आते हैं और अजीब अजीब तरह से जाते हैं। ये कुछ ढीलू चंद ढलकोसिया, बड़े ही फटका, लेकिन बोला कोई बात नहीं, सामने डब्बे का दूध पिया है तो सामने आप, मैं भी लटक के बॉल पटक के अपनी तकलीफों को झटक के ऊपर खड़ा रहकर दिखाऊंगा। और ये कुछ नई तकनीक है इनकी, अबे बॉल छोड़ सकते हो भाई, दूसरी बार मिल जाएगा एक और बॉल, लेकिन इनकी दाद देनी पड़ेगी सहानुभूति की, सहानुभूति गलत बोल गया मैं, इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। ठीक है यार, वो सहानुभूति को अच्छा लगा मुझे वर्ड, तो मैंने बोल दिया, कोई बात नहीं। और अरे क्या उठ के जो भागा है फिर गिरा एकदम पसर रहा है, लेकिन बॉल हाथ से निकल गया। ये देखो चंगू मंगू, अरे रे रे, लेकिन हाँ फिर, अरे यार ये मस्त है, इसको तो कुछ बॉस जियो मेरे जापानी जप्पू, और चला फिर से अपना चप्पू, और ये दगमगा फिर गिरा, फिर बॉल पकड़ा और फिर रिकवरी। यार ताकत तो है इसमें जप्पू में, यार ये पहली बार देख रहा हूं मैं कि इतनी बार गिरने के बाद कोई उठ उठ के फिर आ रहा है, ढीठ आदमी एकदम, मतलब ढीठ चंद ढलकोसिया, वो भी जापान की पैदाइश, और जीत गया और अब फिर गिर गया। अरे यार इतने तोप के गोले खा के और इतनी बार गिर कर तो मनोज कुमार भी क्रांति फिल्म में नहीं उठे थे, ये उठ गया, अरे यार वेल डिजर्व, मेरी तरफ से तालियां। और जे जे के रांची की रिप्ले में देखिए, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, मेरी कॉपी जापान में भी कर रहे हैं, मैं इससे कॉपीराइट्स लूंगा, लेकिन हम कॉपीराइट्स नहीं फाइनल फॉल की तरफ चलते हैं। हाय निमा, हाय निमा लेबो, गुफा में घुसो, दूसरी तरफ रावण से बचकर पांच कुओं की तरफ जाना है, जिसमें दो मौत के कुएं और तीन जिंदगी के। अब आपको चुनना है कि आपको क्या पसंद है, देखें किसे क्या मिलता है। और ये सिर्फ मां के कुएं में, सुनिए चीखे, बचाओ बचाओ, छोड़ मुझे छोड़ मुझे। और दूसरा बकरा निकला, नीला बकरा, ये भी मौत के कुएं में आके खड़ा हुआ और सीधा अंदर, बजी सीटी और अंदर हो रही है इसकी पीटी। टॉर्चर की आवाजें, ओहो ब्लूबेरी बर्ड, बहुत आयशा ताकिया लग रही है तो, जापानी आयशा ताकिया, और ताकिया तो ताकिया धीरा दिन होके आगे बढ़ गई। ओह एक और, ये भी ब्लू, ये ब्लू कलर कुछ आज फेमस, कुछ मशहूर, कुछ पॉपुलर है आज। ये कहाँ जाएंगे, ये मौत का कुआं पार करा, दूसरे मौत के कुएं की तरफ खड़े हुए, निर्णय लिया और
बलि के बकरे बने। चीखे हॉरर फिल्म के साउंड इफेक्ट्स यहां से लिए जाते हैं, जापानी फिल्मों में डालते हैं। शैतान के मुंह में से निकली डकार, डकारता चला हूं मैं कड़ी कड़ी जापान की। और ये हो गए पार। ये रावण ना खाली गीदड़ भभकी देता है, कुछ करता नहीं है। और ये आए, थोड़ा सोच थोड़ा विचार, और ये बना उनका आचार। अरे बाप, ज्यादा ही टॉर्चर हो रहा है। भैया एक काम करते हैं, एक जरा फ्यूरियस फ्लैशबैक देखते हैं कि क्या हुआ था आखिर। ये चले, अरे बाप रे, तो यार, अरे गई पसली, अबे हाथ तेरी और फाइनल शोडाउन का वक्त आ गया है। ये गटरिया केंचुए निकले हैं, देखते हैं कि कितने केंचुए हैं। ओह नमस्ते नमस्ते, अब भी आइए। ओहो आप भी, गर्दन में क्या लटका गया है पता नहीं। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ नौ, और कर दो पाँव पाँव पाँव। ये देखते हैं ये हमारे नौ निहाल क्या करेंगे इन शाही गार्ड्स का हाल। शाही गार्ड एक्चुअली एक दो तीन चार पांच और एक जनरल, एक्चुअली उनके सिर्फ छह टैंक है यार, इनके पास नौ टैंक है, फिर भी इन लोग की कुछ हैसियत नहीं हो रही है। ये देखिए गई रही है, और ये दूसरी भी गई। ये लंबी लंबी पिचकारियां है ना इनकी, बंदूकों का मुकाबला ही नहीं है। देखिए तीसरी रिंग गई, बंदूकें इनकी बंदूकें फुसकी सी है ये लड़की। ये ब्रेव कोशिश, लेकिन कोशिश नाकाम। और ये भी फट गई, और ये फाड़ने में एक्सपर्ट शाही गार्ड्स, और हमारे खिलाड़ी उनके सामने बिल्कुल ऐसे जैसे ब्रूस ली के सामने राजपाल यादव 005 007 के छोटे भाई। और ये गोल गोल रानी, ठंडा ठंडा पानी, कमांडर के टैंक घूम रहा है, फाड़ दिया इसका भी, और इसकी किस्मत भी फट गई। एक बचा है बेचारा, अरे यार ऐसे कैसे हो गया। और एनटीटी खेल खत्म, पैसा हजम, एक और बचा है। ओ सॉरी, आई एम सो सॉरी, एक बचा है। नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा, काट डालूंगा, फोड़ डालूंगा। अबे तू क्या फोड़ेगा, तेरी फोड़ गई। और इस बार भी कोई विजेता नहीं तकेशी इस कासल में। एक्चुअली कब विजेता हुए तकेशी इस कासल में, मुझे तो याद नहीं आ रहा। इतना सन्नाटा क्यों है भाई।